कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 3 स्थित पंजाबी कॉलोनी के खराब रास्ते को देखते हुए हमने आप तक पहुंचाई थी एक खबर, जिस खबर को देखते हुए वहां के रास्ते का काम शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर हमारी टीम ने मुलाकात की वहां के स्थानीय नगर सेवक पप्पू गुप्ता से। जी गुप्ता जी, जिस प्रकार से जो कि पंजाबी कॉलोनी तरफ का रास्ता जाता है, क्रिटी केयर से होते हुए ऊपर की जो ढलान वाला इलाका है, रास्ते की काफ़ी लंबे समय से खस्ता हालत है। वहाँ पर अब जो है डामरीकरण किया गया, लेकिन ज़्यादा समय तक वो डामरीकरण रुकेगा नहीं। तो वहाँ पर जो कि नागरिक हैं कहते हैं कि दुर्घटनाएँ होती है, ढलान वाला इलाका है, तो वो किस तरीके से पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि अब जो काम किया जा रहा है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ को आपने कवरिंग न्यूज़ को चलाई, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात तो ये कि ये नया रोड का काम नहीं हो रहा। कुछ लोगों ने अभी इस चीज़ को चर्चा में लाया कि ये नया रोड बन रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये नया रोड का काम नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ डामरीकरण का काम, हम लोग हर साल जब भी बारिश आती है उसके पहले हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू ये काम होता है, और ये भी काम हमारा पास हुआ था, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए इसके वजह से ये काम डिले हो गया, जिस वजह से ये काम हम लोग ने लेट चालू करवाया। और 2-3 महीने से मेरा PWD डिपार्टमेंट वालों से बातचीत लगातार चालू था, बरसात होने के कारण हम लोग ने काम थोड़ा सा लेट किया है, और अभी ये लगभग क्रिटिकल हॉस्पिटल से पंजाबी कॉलोनी का रोड पूरा हो गया है। दूसरा तुलसी ट्रेडिंग से लेकर आयपा मंदिर का रोड, ये भी कल परसों में चालू होगा, 2 दिन के अंदर फारोलाइन चौक का रोड चालू होगा। बरसात के होने के कारण हम लोग ये रोड अभी चालू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डामरीकरण का ऐसा होता है कि बरसात अगर आएगा तो फिर वो डाम्बर निकल जाता है, इस वजह से हम लोग ऐसा काम इसको कर रहे हैं। स्थानिक लोगों का कहना यह है कि नगर सेवक वहाँ पे पैनल 4 का है, तो किसी भी नगर सेवक के पास जाते हैं तो सुनाई नहीं होती है। कई लोग तो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ के नगर सेवक कौन है, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जनता जो है कहीं ना कहीं जो है इससे वंचित है। जी, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो रोड आ रहा है वो रोड एक्चुअल बाउंड्री जो है PWD डिपार्टमेंट के हिसाब से पैनल नंबर 8 में आती है, बट वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो पैनल नंबर 9 में हैं। तो हमें बाउंड्री से लेना देना नहीं है, हमें हमको पब्लिक ने चुन के दिया है, हमारा काम है पब्लिक के लिए लगातार काम करना, और वो हम अच्छी तरीके से अपना 100% करते हैं, सालों साल से हम करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। तो पब्लिक के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो पैनल कोई भी हो, वार्ड का हो, शहर का हो, हमें अपने शहर के लिए, वार्ड के लिए काम करना है, हमें पैनल बाउंड्री को नहीं देखना है, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश और अपना पूरा अच्छी तरीके से काम करता हूँ और करता रहूंगा। पब्लिक को कुछ भी समस्या है तो मुझसे आके संपर्क करें। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। ताजा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।